थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, लास्ट जो लेक्चर था दैट इज अबाउट द टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम रिजेक्ट किया गया था एक ऐसे ऑर्गेनिज्म की वजह से जिसमें प्लांट वाली भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी और एनिमल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स। अब वो जो चल रहा था कंट्रोवर्शन से चल रही थी उसे किस किंगडम में प्लेस किया जाए, प्लांटी में किया जाए या एनिमलिया में प्लेस किया जाए, उसको सॉर्ट आउट किसने किया, उसे एरनेस्ट हैकल ने सॉर्ट आउट किया और 1866 के अंदर एक नया उसने क्लासिफिकेशन सिस्टम दे दिया। एंड दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम इज नोन एज उसे क्या कहते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दे दिया। अब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में उसने पीछे वाले दो किंगडम रहने दिया प्लांटी और एनिमिलिया और लेकिन एक ऐसा नया किंगडम दे दिया उस किंगडम का नाम था किंगडम प्रोटिस्टा। अब प्लांटी जो था जितने भी प्लांट्स थे जो अपने खुराक को तैयार कर सकते थे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्लोरोफिल था उन सबको प्लेस कर दिया गया किंगडम प्लांटी के अंदर। किंगडम प्लांटी की खासियत क्या है कि वहां पर आपको क्लोरोफिल भी देखने को मिलेगा, वहां पर आपको सेलवाल भी देखने को मिलेंगे, प्लांट्स देखने को मिलेंगे और प्लांट्स अपने क्रॉप खुद तैयार करेंगे और उनके सेल में सेलवाल भी होगी और सेलवाल किससे मिलकर बनी होगी, सेलुलोज से मिलकर बनी होगी। अब किंगडम एनिमिलिया की बात करते हैं तो जितने भी हेटरोट्रॉफ्स जो अपने क्रॉप को तैयार नहीं कर रहे थे उन्हें किंगडम एनिमिलिया में प्लेस कर दिया गया, यानी कि जितने भी एनिमल्स थे दैट्स आर प्लेस्ड इन किंगडम एनिमिलिया। और एनिमल्स के सेल में सेलवॉल नहीं होती, यानी कि अगर मैं आपको बनाकर दिखाऊं तो बच्चे यहाँ पर देख लें एनिमल का सेल, दिस इज अ एनिमल सेल। अब एनिमल के सेल में ये सेलवॉल नहीं है बल्कि ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसका नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन ऊपर अगर मैं प्लांट्स की बात करता हूं तो प्लांट्स के सेल में आपको बकायदा इस तरह से सेलवाल भी दिखेगी और सेलवाल के अंदर की जानिब आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा देखने को मिलेगी और प्लाज्मा यहां पर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेलवाल मौजूद नहीं है। तो ये प्लांट सेल आ गई, ये आ गए एनिमल सेल। अब इसका मतलब है जो आपके पास एनिमल्स होंगे वहां पर सेलवाल मौजूद नहीं होती। अब प्रॉब्लम था इन तीन ऑर्गेनिजम्स का कि इन्हें कहाँ प्लेस किया जाए। अब एरनेस्ट हैकल ने क्या किया, एरनेस्ट हैकल ने यहां से बैक्टीरिया उठा लिया, बैक्टीरिया को उठाया और बैक्टीरिया को उठाकर उस तीसरे किंगडम जो नया किंगडम बना था द न्यू किंगडम इज नोन एज अ किंगडम प्रोटिस्टा उसे किस किंगडम में प्लेस कर दिया गया, किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस कर दिया। अलबत्ता जो फंजाई थी या फिर एल्जी थी वो अभी भी काम पर रहने दिए गए, वो अभी भी काम जो थे वो किंगडम प्लांटी के अंदर ही मौजूद है। फंजाई एंड एल्जी काम मौजूद है किंगडम प्लांटी के अंदर मौजूद है, लेकिन जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके मुताबिक जो बैक्टीरिया है वो किस किंगडम में है, वो किंगडम प्रोटिस्टा में है, दैट इज अ एमसीक्यू, ये आपका एमसीक्यू है। अब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में ऐसे ऑर्गेनिजम्स प्लेस किए गए जिनके अंदर दोनों खसूसियात थी, यानी कि जिनके अंदर एनिमल्स जैसी खसूसियात भी थी, जिनके अंदर प्लांट्स जैसी खसूसियात भी थी। जैसा कि योगलेना की तरह जितने भी ऑर्गेनिज्म थे योगलेना लाइक ऑर्गेनिजम्स ऑल आर प्लेस्ड इन द किंगडम प्रोटिस्टा व्हिच हैज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। एनिमल का फीचर यानी कि हेटरोट्रॉफ, प्लांट का फीचर ऑटोट्रॉफ, यानी कि प्लांट्स में क्लोरोफिल होगा यहाँ पर सेलवाल होगी लेकिन एनिमल के अंदर ना तो क्लोरोफिल है और ना ही इनके अंदर सेलवाल होती है, यानी कि ऐसे जलदार जिनमें प्लांट जैसी खसूसियात भी हों जिनमें एनिमल जैसी भी खसूसियात हों, जैसे कि योगलेना के अंदर थी उन सबको किस किंगडम में प्लेस किया गया, किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस कर दिया गया। अब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट क्यों किया गया, अब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट करने की जो रीजन थी ना वो ये थी कि कुछ जो साइंटिस्ट है दैट्स आर नॉट एग्री द प्लेसमेंट ऑफ द फंजाई इन किंगडम प्लांटी, कुछ जो साइंटिस्ट थे वो फंजाई की किंगडम प्लांटी की अंदर मौजूदगी से खुश नहीं थे। क्यों नहीं थे, उसके चंद एक रीजन थी। पहली रीजन क्या थी, पहली रीजन ये थी कि जो फंजाई है, फंजाई होता है हेटरोट्रॉफ, फंजाई क्या है हेटरोट्रॉफ है, और अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं नो डाउट प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ। अब ये तो एक सही चीज नहीं है कि प्लांट ऑटोट्रॉफ है फंजाई हेटरोट्रॉफ है, हमने उनको इकट्ठा प्लेस किया, पहली रीजन आ गई। सेकंड रीजन यहां पर क्या आई कि अगर हम फंजाई की सेलवाल की बात करते हैं तो फंजाई की जो सेलवाल होती है वो एक केमिकल से मिलकर बनी होती है, उस केमिकल का नेम होता है काइटन, ये भी एमसीक्यू से याद रखना आपने, फंजाई की सेलवाल में क्या होता है कार्बन। लेकिन उसके बारे से अगर प्लांट की सेलवाल की बात करें उसमें क्या था सेलुलोज है, दोनों डिफरेंट चीजें आ गई। इसका मतलब है ये क्लासिफिकेशन सही नहीं है।
अब तीसरी जो सबसे बड़ी चीज थी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट करने की, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, देखें इसका मतलब क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल जिसमें वाज़ह न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, यानी कि आपके पास डियर स्टूडेंट ये एक सेल है और सेल के ये आ गया साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर उसका जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में बिल्कुल यहाँ पर बिखरा हुआ होगा ऐसे, और उसमें न्यूक्लियस हमें दिखाई नहीं देगा, वो आपके पास क्या होगा प्रोकैरियोटिक सेल होगा कि जिसके अंदर आपको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ आ गई यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल जिसमें हमें न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से उसका सेल होगा आपके पास, ये आ गया बेटा सेल और ये आ गया सेल के अंदर न्यूक्लियस और सेल न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मेकअप है, ठीक होगी बात। अब जो मेन रीजंस थे वो ये है, और अब थ्री किंगडम जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो असल में ना तो प्रोकैरियोटिक का बता रहा था यानी कि किस किंगडम में प्रोकैरियोट्स प्लेस किए गए हैं, और ना ही वो ये बता रहा था कि किस किंगडम में यूकैरियोट्स प्लेस किए गए हैं। दैट्स व्हाई द थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन वाज रिजेक्टेड। इज इट क्लियर? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों रिजेक्ट किया गया? पहली जो रिजेक्शन थी वो थी, रिजेक्शन की जो पहली रीजन है वो है फंजाई। फंजाई थी यानी कि फंजाई जो है वो प्लांट के अंदर नहीं होनी चाहिए, बिकॉज उसके ये जो फीचर्स हैं फंजाई के वो प्लांट्स के साथ नहीं मिलते। सेकंड जो चीज है वो ये है कि जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो ना तो हमें प्रोकैरियोट्स का बता रहा था और ना यूकैरियोट्स का बता रहा था, यानी वो ये हमें नहीं बता रहा था कि जो किंगडम प्लांट है उसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है या यूकैरियोटिक है। वो हमें ना तो ये बता रहा था कि जो एनिमल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है या फिर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। दैट्स व्हाई द थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन वाज रिजेक्टेड।